जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं आपका अपना भाई सूर्य आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया और दिल से बहुत सारा प्यार आप सभी को। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार, और जो मेरे हम उम्र मेरे साथी है, जो मुझे अपना मानते हैं, उनको दिल से लव यू। और आज की जो लोकेशन है उसको मैं सेकेंड टाइम विजिट कर रहा हूँ। कैमरे पे मेरे भाई आनंद है, जो हर बार की तरह बखूबी मेरा साथ निभाते हैं। अगर मैं बात करूं काम की और मेरी पर्सनल लाइफ की, तो दोनों जगह आनंद भाई का बहुत ज्यादा अहम रोल है। मीन्स इनको मैं काम ही सिर्फ और सिर्फ आप काम के जरिए जानते हो, मैं इनको पर्सनली या मेरी पर्सनल लाइफ में जिस तरह से मुझे अगर जरूरत पड़ती है कहीं भी, तो ये मेरा साथ देते हैं। आज की लोकेशन के बारे में बात करते हैं। इस लोकेशन की कहानी है मांगलिक। अब सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए भाई कि मांगलिक होता क्या है, या मांगलिक दोष क्यों होता है, या मांगलिक लोग जो होते हैं उनके साथ लाइफ में क्या ऐसी चीजें होती है। सबसे पहले तो बात करते हैं मांगलिक क्या होता है या मांगलिक दोष क्या होता है। भाई जिनकी कुंडली में लग्न चतुर्थ अष्टम और द्वादश ये जो भाग होते हैं, इनमें अगर मंगल का दोष होता है तो वो लोग मांगलिक होते हैं। और मांगलिक लोगों के बारे में बोला जाता है कि ये जो लोग होते हैं, या तो इनकी शादी पेड़ से होती है या फिर कुत्ते से होती है। लेकिन यहां जो इंसिडेंट था वो था लव मैरिज वाला। जो घर से भागे हुए प्रेमी युगल थे, जिन्होंने शादी करी कोर्ट में जाकर के या जो भी करा, उसके बाद उन्होंने ये जगह चुनी रहने के लिए, छुपने के लिए। लेकिन भाई दूसरे दिन जिस प्रेमिका से बात हुई थी या जिस प्रेमिका ने उससे भाग करके शादी करी थी, उसी प्रेमिका ने जो है अपने प्रेमी को मारने की कोशिश करी जान से। लेकिन बोलते ना भाई, उसका भगवान ने साथ दिया होगा कि वो जिंदा बच गया। बोल हमने एक और बात सुनी है जो गांव वालों ने उस वक्त में भी हमें नहीं बताई थी, हमने और जानने की कोशिश करी थी। जैसे जांच पड़ताल करी तब जाकर के आज सेकेंड पार्ट के लिए या सेकेंड टाइम इस लोकेशन को विजिट करने के लिए यहां आए। बोलना जाता है कि मतलब उन्होंने हमें ये बताया कि उसका जो प्रेमी था उसने बोला कि वो कुछ देर के लिए बाहर गई थी, और जब उसने छत से देखा ऐसा कुछ तो वो इस पेड़ के पास खड़ी थी। कि अगर पहले पार्ट में हमें पता होता तो मैं इस पेड़ के पास नहीं जाता, लेकिन आज इस पेड़ के नीचे खड़ा होकर के मैं बात कर रहा हूं। उस लड़की के दोष तो था, लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव उस पर और ज्यादा था, जिसकी वजह से अगर वो लड़का वहां से नहीं भागता तो मारा जाता। लेकिन इस लड़की की जो मौत हुई उसकी वजह सिर्फ उसका मांगलिक दोष नहीं, उसके साथ में कुछ नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव जो ज्यादा था, या हो सकता है कि उसकी कुंडली में जो मंगल का दोष था वो एक लेवल क्रॉस कर चुका था, जिसमें वो लड़की किसी की भी जान ले सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। ये होता है भाई, इसलिए कहते हैं कि भाई प्यार अट्रैक्शन नहीं है कि देखा और अच्छा लग गया। प्यार वो है जो जिंदगी में जिंदगी भर साथ देने का हुनर रखता हो, जो जिंदगी भर साथ आपके खुश रह सकता हो, और जिंदगी भर जिस पे आप विश्वास कर सकते हो। ऐसा नहीं है ना कि भाई प्यार में आज धोखा मिल गया तो कल उसको छोड़ देते हैं। नहीं भाई, उसे कोशिश करो सुधारने की, ताकि वो जिंदगी भर आपके साथ रहे, क्योंकि आपने उससे प्यार किया है। मजाक नहीं, मजाक होता है जो एक पल में छोड़ दिया जाता है कि इसने गलत कर दिया, ये गलत इंसान है, इसको छोड़ दो। नहीं भाई, उसको कोशिश करो। कितना भी गलत इंसान होता है ना भाई, घर वालों से नहीं सुधरता, वो प्यार से सुधर जाता है। ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, ये अब एक्सपीरियंस करके देख लेना। किसी भी गलत इंसान के साथ में लगाव करना या उससे लगाव हो जाए तो वो आपकी बातें मानने लगेगा। वो किसी और की बात माने ना माने, आपकी बात जरूर मानेगा जिससे वो प्यार करता है। और जिंदगी में उसके साथ रहना जो आपसे प्यार करे, ना कि जिससे आप प्यार कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है ये। आज की लोकेशन को विजिट करेंगे भाई, ये जितनी हॉन्टेड होगी होगी, पर हम दोनों भाई यहाँ पे जितना टाइम हो सकता है वो निकालने की कोशिश करेंगे। पिछली बार भी कुछ रिकॉर्ड हुआ था और वह इतना क्लियर था कि आंखों पे विश्वास करना बनता है वहां पे। आनंद भाई, लास्ट टाइम आप इस लोकेशन पे मेरे साथ थे।
हाँ भाई, मतलब आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या लगा आपको? तुम ही बता दो यार, मैं क्या बताऊँ। मैं ना, पता है, लास्ट टाइम 2-3 टाइम से नोटिस कर रहा हूँ आनंद भाई, कि वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना अंदर, वो पता नहीं क्यों बूस्ट नहीं कर पा रहे हो आप अपने अंदर से, या क्यों थोड़े से डरे हुए हो, क्यों ऐसा कुछ? अभी थोड़ा देर को पता है ना, वो फैमिली मैटर चल रहा है ना यार, इसलिए पता है ना तेरे को। आई अंडरस्टैंड भाई, मैं समझता हूँ भाई। आनंद भाई को प्लीज कोई गलत मत समझना, अगर ये नहीं बोल पाते तो। अभी इनकी फैमिली में कोई इश्यू चल रहा है, वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया है, तो अगर ये ज्यादा बात नहीं कर पाते तो समझने की कोशिश करना, जितनी बात हो सकती है मैं करने की कोशिश करूंगा भाई। एक चैनल अलग से बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं भाषण दे सकूं, जरूर से बनाऊंगा वो, क्योंकि मेरे को सजेशन मिलते हैं कि भाई भाषण देने के लिए एक अलग से चैनल बना लो यार, तो करेंगे भाई, वो भी करेंगे जल्दी से, भाषण देंगे उस पर सिर्फ। मैंने, मेरे को कहना, कहानी जब बताने लगता हूँ ना तो खो जाता हूँ उस कहानी में, और आप लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन होता है ना मेरा बात करने का, वो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इतनी सारी बातें बोल देता हूँ, मेरे को खुद को पता नहीं चलता। और एक कमेंट इस लोकेशन के लिए, या फिर इस लोकेशन पे मैं हंसते हुए बात कर रहा हूँ उसके लिए, मुझे पता है मैं हंसता हुआ बता रहा हूँ तो आप लोगों को अच्छा लगता है, मैं नहीं, हम दोनों आनंद भाई, और हम दोनों जब हंसते हुए होते तो आपको अच्छा लगता है। आनंद भाई ध्यान से आना, बिल्कुल बस देना, पता है क्या हो रहा है आनंद, मेरे लेग्स ना पेन कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्या बना हुआ है? अंदर है क्या, और कुछ आने का तो नहीं, ये तो अलग चीज है, तो कुर्सी वगैरह कुछ कुर्सी है ना, और कुछ भी नहीं अंदर। एक सेकंड जाके देखो, ये भी या कुछ तो हुआ होगा, या एक कबाड़ रखने की जगह होगी, मैं भी चले बाहर आता हूँ। हमारा काम ना लोकेशन एक्सप्लोर करने का है, करेंगे भाई। इधर से देखने पे कितना डरावना लगता है ना, हाँ भाई यार, हाँ पेड़ सूखा हुआ सा, और उसके बाद इसकी जो हाइट है वो है ना, पहले पॉजिटिवनेस रखेंगे, अपने आप पर ध्यान रखना है ना। भाई, लोकेशन भाई एक कोना विजिट करने की कोशिश करेंगे, कितना होगा, क्योंकि ना लोकेशन पे मेनली कुछ जगह स्किप हो जाती है, छूट जाती है ना, जैसे हमसे अगर कोई जगह छूट जाती है, या फिर आप वीडियो में कोई सेशन होता है ऐसा जो आप स्किप कर देते हो, वो भी अच्छा नहीं होता है। आ जाओ आनंद भाई, यहाँ की हर एक चीज ये गवाही देती है इस घर का वीरान होना या ऐसे होना बहुत ज्यादा गलत है भाई। ऐसी जगहों के फायदे उठाए जाते हैं, लोग मिस यूज करते हैं, पर ये जगह जो है वो बची भी है उस लड़की की वजह से जिसको ये मांगलिक दोष था, या जिस लड़की पे कुछ नेगेटिविटी का असर था, इसीलिए लोग शायद यहाँ नहीं आते, और ये आशय ना बनने से बच गया, क्योंकि ऐसी जगहों पे बहुत सारी उल्टी उल्टी चीजें लिखी होती है, वो चीज सारी चीजें यहाँ पे नहीं है, हो सकता है उस लड़की की स्प्रिट यहाँ नजर आती है उस वजह से। ये क्या हो रहा है यार, खुल ही नहीं रहा, सही से बोल सूर्या भाई, सही में नहीं खुल रहा भाई, मुझे लगता है पीछे से कोई धक्का लगा रहा है इसको। नेक्स्ट पहले भी ऐसा ही होता, फर्स्ट टाइम भी यार। मैंने इसको छेड़ा क्या आनंद? मैंने ना ना इसको छेड़ा था,
और ये मूवमेंट कर रहा है जबकि इस पे टच नहीं है। ये जय श्री मां का आराम से हो गया क्या? पीछे धक्का मार रहा है अंदर से, मूवमेंट हो रहा है यार गेट, वो प्रेस कर रहा है अंदर से, पुश कर रहा है इसको। देखिए अगर आप अंदर में हो तो हम विनती करते हैं आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इंटेंशन गलत नहीं है इस सारी चीजों को लेकर के, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो सच है उसको जानने के लिए आए, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसकी वजह से आपको परेशानी हो या हमें किसी परेशानी का सामना करना पड़े आगे जाकर के। क्या हम इस कमरे के अंदर आ सकते हैं? अगर आ सकते हैं तो हमें कोशिश करने दीजिएगा जो सच है वो जानने की। आपका मांगलिक होना ये कोई कसूर नहीं है या कोई गुनाह नहीं है, और या फिर ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे लोगों को डरा जाए। मांगलिक दोष अगर होता है तो उसके उपाय भी होते हैं, लेकिन किसी की जान लेना या ऐसा कुछ करना ये सही नहीं है। अभी तो बुला, सुन रहे हो यार? अभी तो बुलाइए। अंदर चले, अंदर चलेंगे भाई, तुम ठीक है ना? देखिए हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस कमरे में अगर आपकी मौजूदगी है तो नहीं, बोतल है पेड़ से। ठीक है उससे हुआ ना? हाँ इधर आजा, सेफ साइड में हो जाए। देखिए अभी हम उस जगह खड़े हैं, मे भी हो सकता है इस जगह पे आपका होना हो, आपकी प्रेजेंस हो, पर इंटेंशनली हम कुछ भी यहाँ गलत करने के लिए नहीं आए ना, हम ऐसा कुछ चाहते हैं कि हमारी वजह से यहाँ कोई नुकसान हो किसी भी तरह से किसी भी चीज का। हम बस एक बात कहना चाहते हैं कि यहाँ पर छोटी से छोटी चीज जो है वो ऐसा बिखरी हुई पड़ी है। कुछ कपड़े बड़े भाई, देखिए हम चाहेंगे कि हमारे साथ में कुछ भी गलत ना हो इस जगह पे, हमारे इरादे गलत नहीं है, हम बस सच जानने के लिए ऐसी जगहों पे निकल जाते हैं बिना अपनी परवाह किए हुए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे साथ में कुछ गलत हो। मैं एक और चीज बता देना चाहता हूँ यार जी, तो बहुत ज्यादा खतरनाक थी है या अजीब थी है, वो है आवाज सुन लिया तूने? आवाज आई भाई अजीब सी यार, है ना? क्रिमिनल रिकॉर्ड हुई क्या कुछ ऐसी? कुछ भी नहीं हुई यार, बाहर आने के बाद हुई है सब चीज। एक ही चीज को ना बारीकी से रिकॉर्ड करने की कोशिश करना। बिल्कुल सूर्य भाई, अपना गाँव में तो है भाई, मुझे एक और चीज बताता हूँ। ये तुझे पता है क्या है? ये इतने ज्यादा विस्फोटक है जिनको छोटे बोलते हैं ना, टूटे जो किसी भी बड़ी से बड़ी खान में काम में लिए जाते हैं, ये है वो एक विस्फोटक धमाकेदार ऐसी चीज जिससे अगर इंसान को दे दिया जाए या इंसान के बांध करके अगर मशीन से ऑपरेट कर लिया जाए इसको, इसमें सप्लाई जाती है भाई डीसी या ऐसी सप्लाई देकर के इसको एक्टिव किया जाता है। ज्यादातर जो यूज होता है वो डीसी सप्लाई का होता है,
एक एक सेकंड का जो शॉक्ड होता है ना, मतलब एक सेकंड के लिए करंट का प्रभाव होता है, जैसे स्टार्टर काम करता है पंखे का सिर्फ स्टार्टिंग का, वैसे इसमें हल्का सा करंट जाता है, देन ये ब्लास्ट होता है, उसके बाद बड़े से बड़े पत्थरों को जो है या बड़ी से बड़ी जो खाने होती है उनमें होल करने की काम आता है, उनको तोड़ने के काम आते हैं। तो इन सारी चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ चाह रहे हैं इस लोकेशन का जो सच है वो सामने रहे हमारे। ये सारी चीजें हमने देखी भी है ऑलरेडी, लग तो नहीं रहा भाई। सूर्य भाई गेट की आवाज आई यार। हाँ तो दरवाजा खटखटाया। हाँ यार भाई कसम से गेट की आवाज आई यार। नीचे आसपास ना यार, गेट की आवाज आई यार। दर्द हो रहा है यार। गेट की आवाज आ रही है यार, ये तो लोग और गया यार। भाई भाई वापस आई, इसी से आ रही है। हाँ भाई आई आई, मगर ये तो लोग है सूर्या भाई यार। अरे तो ये कुंडी लगी है इसमें, उसमें देख यार, वो देख डेट भी लिखी हुई है सूर्या भाई, वो चीज देख माइंड कर ऊपर, वो देख 26/11/99 वो देख। हाँ भाई 26/11/99 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है K8GR ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो हमको नहीं पता भाई क्या लिखा हुआ है यार, सूर्या भाई यार उसमें से आवाज आई भाई। भाई क्या अंदर कोई है? भाई भाई सूर्या भाई फिर से नॉक हुआ। हाँ यार यार देखिए अंदर अगर आप हो, मैं ये कहना चाहता हूँ हम यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं है, किसी गलत मकसद से यहाँ नहीं आए, जितना सच होता है वो जानने के लिए आए हैं बस। सुनना तो पड़ेगा, खोलते हैं। मगर यार सूर्या भाई यार लोग सूर्या भाई यार, वो भाई सूर्या भाई भाई सामने ही है। सामने नहीं है भाई यार, सामने तो थी यार, समझ में नहीं आया यार कुछ भी। सूर्या भाई अंदर ही है, वो जो हो सकता है उधर कोई छोटा सा बना हुआ। चल 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 अंदर चल, अंदर ही होगी। देखिए हमें पता चल चुका है कि आप यहीं पे हो भाई, यही है और हमारे इरादे बिल्कुल गलत नहीं है। मैं दिल से कहता हूं कि जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है वो एक दोष था, एक प्रभाव था मंगल का जो आप पे हावी हुआ है। सर आनंद भाई सुनो, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, दरवाजे के दोनों तरफ कैमरा करना ठीक है। मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, ये रहा। अब सबसे पहले ना दरवाजे के दोनों तरफ कैमरा, दरवाजे के दोनों तरफ। इस तरफ तो जगह भी नहीं है यार, इधर 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 जगह भी नहीं है ना। मेरे हाथ ऐसे कैसे बांध रखे हुए मैंने, जगह ही नहीं है सूर्या भाई। इसके अंदर भी जाने का नहीं समझ में आ रहा मेरे को, देख जाने लगे हुए अभी तक नहीं भाई।
यहाँ से अगर कोई इंसान निकलता तो भाई झल्ले बेटा टुकड़ा उसके समझ में आता नहीं। भाई इंसान अगर ऐसा कुछ होता तो वो एक रूह है जो खुद से खुद के काबू में नहीं थी, मीन्स उसके ग्रहों का कुछ दोष था जिसकी वजह से उसको ये सब कुछ सहन करना पड़ रहा था। ये जो इंसिडेंट यहाँ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से, नहीं तो वो लड़की जो है या आप जो थे यहाँ पे आपका दोष नहीं है, आपकी गलती नहीं है। ग्रह नक्षत्र जिसके भारी होते हैं उसी पे ये सारी चीजें प्रभाव डाल पाती है या उन पे अपना असर दिखा पाती है। अरे भाई सीढ़ियां चढ़ने में तो बहुत दिक्कत आ रही है यार मेरी चीज़। गेट लॉक हुआ है, नीचे से आवाज आई भाई। गेट लॉक हुआ है सूर्या भाई, भाई गेट लॉक हुआ है। हाँ गेट रुको भाई, सूर्या भाई गेट लॉक हो गया भाई, गेट लॉक हो गया यार सूर्या भाई यार। भाई साहब सूर्या भाई निकलते हो भाई, निकलने में बोल रहा हूँ तेरी कसम, निकलने चल चल तो पहले चल, पहले चल, पहले चल रहूंगा मैं, कुछ भी जा रहा हूँ भाई साहब। दीदी अगर ये आपका घर है, हमारे यहाँ आने से आपको परेशानी हुई हो, तकलीफ हुई हो, हम जो है यहाँ से जा रहे हैं, अब हम नहीं चाहते कि हमारे साथ में कुछ गलत हो या आप हमारे सामने आओ, हम नहीं चाहते। एक बार हम आपको देख चुके हैं, ये काफी था हमारे लिए। लोकेशन विजिट करने में थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि लेग्स पेन कर रहे हैं, और एक बार हमने क्लियर देखा था उसको, वो देखने के बाद में होश उड़ गए, अगले ही पल वो चीज सामने से गायब होती है जो समझ में बिल्कुल नहीं आती ये क्या हुआ। हम बस इतना सा कहना चाहते हैं कि इस लोकेशन को जितना आसान हम समझ रहे थे कि उतना आसान तो नहीं है, या जितनी आसान बाकी लोकेशन को जितना हम समझते हैं वैसे ये लोकेशन नहीं है। इस लोकेशन पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना हमें करना पड़ रहा है जो हमें सामने देखो सूर्या भाई, वही कहाँ पे पीछे देख, पीछे होएगी वो देख, सामने देख पे? इधर इधर वो देख वही सूर्या भाई, भाई भाई सूर्या भाई यार देखिए भाई हम जा रहे हैं यहाँ से, हम नहीं चाहते हमारे साथ में कुछ भी गलत हो। सूर्या भाई वो सीधी जा रही है यार, एक मिनट रुक 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 नहीं भाई, भाई रुक तो सही, कहाँ जाती है वो तो देख पहले भाई, वो उसी रूम की तरफ जा रही है, उस रूम में थी ना, उस रूम में जा रही है। चलना है क्या? नहीं नहीं चलना नहीं है, वो देखना बस की जाती कहाँ है भाई यार, भाई रूम में जा रही है वो, चलना है क्या? नहीं भाई भाई निकल, ओए निकल 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 सूर्या भाई, चलते हैं अंदर। नहीं नहीं दिखिए ना अभी, दिखिए ना, हाँ चलते भाई। सूर्या भाई नहीं दिखेगी, मैं बोल रहा हूँ दिखेगी, नहीं दिखेगी ना, उधर गई है ना, कंफर्म रिकॉर्ड हुआ है ना कैमरे में। हाँ आ जाओ। अरे सूर्या भाई छोड़ यार, मैं बोल रहा हूँ तेरे को भाई, चलते हैं। इसी कमरे में ना, सामने वाले में है सूर्या भाई, इसी में गई थी यार। इसी कमरे में गई थी सूर्या भाई, इसी कमरे में। हाँ देखिए हमें पता है आप अंदर हो, हमने आपको इस कमरे में जाते हुए देखा है। कोई नहीं आनंद, हाँ कोई भी नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है यार ना, दोनों तरफ माउंट कर ले कैमरा, इधर भी कर ले।
नहीं है यार सूर्या भाई यार, अब समझने वाली बात है भी नहीं है। किसी को शंका होगी इसमें जा सकता है, इसमें जाने नजर आ रहे क्लियर, जाने इसमें जाने का कोई नहीं। चल निकल अब और तुम को चलना, चल चल तू चल रहे यहाँ से। यहाँ के मसले नेक्स्ट टाइम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। जय श्री महाकाल दोस्तों, हम जो है ना समझ नहीं पाए, कमरे में की आप लोगों के सामने गया, नजर नहीं आया।